आज इटावा पहुंचेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह, करेंगे जनसभा को संबोधित, तैयारियां जोरों शोरों पर। इटावा के नुमाइस पंडाल में देश के गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया के लिए करेंगे वोटों की अपील। लगातार चल रही तैयारियों के बीच तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जिलाध्यक्ष संजीव राजपूत और उनके कार्यकर्ता। भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव राजपूत और उनके कार्यकर्ताओं ने बात कर दी कार्यक्रम की जानकारी। हजारों की संख्या में गृह मंत्री अमित शाह को सुनने पहुंचने वाले हैं लोग। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में संशोधन हुआ है, अब कार्यक्रम करीब 3:30 बजे होगा। यह जानकारी मीडिया प्रभारी मानू तिवारी द्वारा दी गई है। यूपी इटावा से कुलदीप राजपूत की रिपोर्ट। देश के गृह मंत्री यशस्वी अमित शाह जी आ रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि बड़े नेता हैं और संगठन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी रैली की तैयारी चल रही है और हम लोगों का प्रयास है कि प्रत्येक गांव से, प्रत्येक बूथ से हमारी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अमित शाह जी को प्रत्येक कार्यकर्ता या प्रत्येक व्यक्ति, आम जनता भी उनको सुनना चाहती है। उसी की तैयारी चल रही है। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने ये जगह रखी है और पूरी उनकी व्यवस्था की अच्छी तैयारी। कितने कार्यकर्ताओं की क्षमता यहाँ पर की गई है बैठने की? कितने लोगों का कार्यक्रम, कितने लोगों की? 10,000 लोग तो कम से कम यहाँ बैठेंगे, 20,000 लोगों की, 22,000 लोगों की हम लोगों ने व्यवस्था की है। क्योंकि गर्मी है तो भाई साहब सबने 20-25,000 लोगों की। समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि इटावा का और मैनपुरी का प्रत्याशी आ रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े लीडरों को ढूंढ रही है। अब समाजवादी पार्टी के स्तर तो रहेगा होगा, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, हमें भी टिप्पणी करने में शर्म लगती है। वो अपन घर परिवार आदमी व्यवस्थाएं तो देख नहीं पा रही, कहाँ ये लोकसभा के चुनाव के चक्कर में पड़ गए, उनका कहीं कुछ है थोड़ा ही पूरे प्रदेश में। अब वो तो कुल मिला के घेर बटोरे के सहपही तक रहेगा ही ना, मैनपुरी उनके पास कुछ रहा है ना, इटावा में कुछ रहा है। अभी बैठे बैठे आरोप ही लगा रहे हैं,